नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सतत स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, तीसरा होगा मित्रों रेखीय स्पेक्ट्रम, और इसके बाद हम आपको दो चीज़ें और बताएंगे मित्रों, वो क्या है ज़ीमान प्रभाव और स्टार का प्रभाव, किसे कहते हैं। इन सतत स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त मित्रों हम आपको ज़ीमान प्रभाव, स्टार के प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम लोग यह देखते हैं आखिर में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। जब किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मित्रों जब किसी स्रोत से यानी साधारण जो लाइट की विकिरण होती है उसे जब आप प्रिज्म में से गुजारेंगे ना तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये प्रिज्म है मित्रों, यहाँ से एक साधारण लाइट मारी जाती है तो पर्दा या संसूचक पर रेखाओं के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। दरअसल ये तीन प्रकार के होते हैं, सतत, बैंड और रेखी। तो सतत देखिए क्या है, इनमें रंगों की लगातार परिरेखा प्राप्त होती है। तो किस किस चीज़ में सतत स्पेक्ट्रम बनता है, जैसे लैंप के विकिरण में सतत स्पेक्ट्रम बनता है, बल्ब में सतत स्पेक्ट्रम बनता है बल्ब के विकिरण में, और दूसरा मित्रों सूर्य में, सूर्य की जो विकिरण होती है ना उसमें भी सतत स्पेक्ट्रम बनता है, राइट। अब देखिए मित्रों बैंड स्पेक्ट्रम क्या है। दरअसल जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है यह अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती है। क्या कहा मित्रों हमने, यह अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती है। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर वह एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब मित्रों देखिए रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, ये स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, इसमें बीच बीच में काले स्थान पाए जाते हैं। हमने क्या कहा मित्रों, ये स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, इसमें बीच बीच में काले काले स्थान पाए जाते हैं, जैसे परमाणु के स्पेक्ट्रम। मित्रों जो परमाणु होती हैं, जो कोई पदार्थ है उनके जो एटम्स हैं, अगर वह एक्साइटेड स्टेट में आएगा उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम लोग परमाणविक स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए वर्षा की बूंदों के कारण बनने वाला इंद्रधनुष एक सतत स्पेक्ट्रम होता है। मित्रों देखिए हमने क्या कहा, वर्षा की बूंदों के कारण बनने वाला जो इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम होता है वह सतत स्पेक्ट्रम होता है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एक दो नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में, ज़ीमान प्रभाव और स्टार का प्रभाव क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त होना, मित्रों जब कोई स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होता है उसे चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाता है तो ऐसा जो प्रभाव होता है उसे ज़ीमान प्रभाव कहा जाता है। ज़ीमान एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा अगर कोई स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र में बन रहा है तो उसे ज़ीमान प्रभाव कहा गया। स्टार का प्रभाव, मित्रों स्टार के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत क्षेत्र में कहा कि अगर कोई स्पेक्ट्रम विद्युत के क्षेत्र में उपस्थित है, विद्युत के क्षेत्र में बन रहा है, विद्युत के क्षेत्र में अगर स्पेक्ट्रमी रेखाओं विभक्त होती हैं तो उन्हें स्टार का प्रभाव कहा जाता है, राइट। तो मित्रों चलिए इसी के साथ साथ हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।